नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दूसरे स्कूबा डाइवर्स को इसकी भनक भी पड़ गई कि समुद्र में शार्क है तो कोई भी इस समुद्र में नहीं उतरेगा। अल्फेंसो, बेटर किल हिम, मार डालो उसे। अब क्या होगा? सोचते हैं कुछ। इसको यही खत्म करके इसकी लाश को समुद्र में डुबो देते हैं। टिकोस्टा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जैसू के घर में ना जाने गोरी चिट्टी कहाँ से टपक पड़ी है। शहर की लगती है वो, कोई सगे वाली होगी। हो सकता है। अरे जैसू और उसके सगे वाली, कहीं वो भगाकर तो नहीं लाया है? अरे दोनों एक छत के नीचे सोते हैं, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो जा ना, जाके करवा देना उन दोनों की शादी। बदमाश हलकट, माँ के सामने रो रो के बोलता था मेरा दिल साफ है, मेरे मन में कोई खोट नहीं। यहाँ आके बोलता जाने के साथ सो जा। जॉनी को जाकर देख तो ले, जॉनी से घबराती है। अरे मुर्दे, मैंने सबको देख लिया है, जॉनी की ऐसी की तैसी और तेरी भी। ए, मेरे बाबा को गाली क्यों देती है? छुट्टी कर दूंगा तेरी। तू कौन है रे इसका चमचा फिराने वाला? जॉनी मेरा नाम।
होगा जानी वानी क्या जाने ओह जाओ सो जाओ ना अभी मैं माफ करना यार खाली पीली तेरे को गाली दिया वर्कर नहीं है हम सब एक जैसे हैं और आज इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अल्फांसो और डेकोस्टा ने कानून और सरकार की नजरों में धूल झोंक कर कम से कम 1,000 करोड़ रुपए के मोती मार्केट में बेचे और सारा माल खुद जब कर गए काम तो हम लोग करें आप लोग करें और गुलछर्रे वो उड़ाएं क्या ये ठीक है नहीं आज हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे कि उन दोनों में फूट पड़ गई है इसलिए वो दोनों अलग अलग कंट्रीज में जाकर अलग अलग देशों में जाकर 2,000 करोड़ के मोती बेचने वाले हैं और ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप भी बॉस हैं जोर कौन है तू कौन है तू बोल बंद हो साले को चला रोटीला जल्दी बन जाएगी तो दूंगी दिखता नहीं साली गीली लकड़ी अरे ये बंधन के कहां गई थी चर्च क्यों शादी बनाने को मरने को छी आज फिर अपन की इज्जत का कचरा हो गया एक नहीं दो नहीं तीसरी बार
तीसरी बार ब्राइड बनके मैं फादर के सामने जा खड़ी हुई, कितना वेट किया। ओह, वेट करते करते साली गर्दन दुखने लग गई। पर दुल्हा वो कहाँ, वो तो निक्कर पहन के मच्छी के पीछे घुसा हुआ है। मैं पूछती हूँ, अगर आना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? मैं औरत जात, कितना इंसल्ट हो गया मेरा, सोचा कभी? सच्ची। देख देख, ये रति भर का छोकरा, इसको अकल है पर तेरे को नहीं। ओह लॉर्ड, इसे सांड जैसा जिस्म दिया, पर थोड़ा सा अकल भी दिया होता तो क्या बिगड़ जाता तेरा। फादर बोला पाप लगेगा बिना शादी किए एक छत के नीचे रहने से, पर ये है कि तू खा, खा तू रोटी, तू खा ले, दोनों खाओ और चबाओ अकल। जब खाने की बात आती है शादी की बात लेके बैठ जाती है, खाना खाना ही नहीं और ना ही शादी करनी है। मैं जाता हूँ, शादी कर लो, रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी, शादी भी खत्म। अरे देख देख, फिर भूखा प्यासा निकल जाएगा, जा बेटा जा। ए, किधर जा रहे हैं? पानी में नहीं, इधर। चलो बाबा, माँ बोली खाना बन गया। मुझे खाना नहीं खाना। फिर तुम क्या खाओगे? क्या खाऊंगा, ये देख इधर, बम्प कटर भोंका। क्या? बम्प कटर भोंका, कांदे का भरता, बेड़े का झोंका, लेगा थोड़ा, लेगा जा थोड़ा माँ के लिए ले जा। अच्छा ये बात है, अभी माँ को बताता हूँ। अबे जा, अबे माँ का चमचा, माँ को बताता हूँ साला, बटाटा फोड़ दूंगा तेरा। शादी के बाद कोई काम ही नहीं, शादी कर लो, लाल साड़ी पहन के बैठी है, शार किए मारेगी। माँ माँ माँ, उधर तो बाटली खुल गई। क्या बाटली खुल गई? मैं यहाँ चूल्हा फूंकू और वो वहां? चलो मेरे साथ। अरे वाह, क्या बात है, सॉलिड है। क्या क्या? मैं तुझे ठीक करता हूँ, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा घर से निकली तो। हाँ अरे अरे, लाल साड़ी पहन के घरों के सामने ठुमक चिर दिया। नीचे उतारो, अरे संभाल के, नीचे उतार दो मुझे। क्या वजन है, अब देखता हूँ तू बाहर कैसे जाती है। क्या समझते हो? जब जबान खींच लूंगा, बड़े आई है, ये भूख के मारे जान निकली रही है, इसको कोई फिक्र ही नहीं। वो बेचारा जॉनी अगर मुझे नहीं बोलता तो मुझे क्या पता चलता, गैरों के सामने नाचती फिरती है। तू भी तो गैर है, तू कौन सा अपना है? मैं गैर हूँ? मैंने तेरी जान बचाई, तेरी इज्जत बचाई, तुझे इस घर में ला के रखा, मैं गैर हूँ तेरे लिए? बकवास करती है, चल रोनिका, बहुत लंबी जवान हो गई तेरी। बक 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 बक, जब देखो बक बक। इज्जत बचाने से थोड़ी अपना हो जाता है, अपना होता है आदमी शादी करने से। है मैं तेरे से शादी कर लूं? अरे मैं सारा दिन समुद्र में मारा मारा फिरता हूँ देवा मांस के पीछे, किस दिन मुझे खा गई तो क्या लोग तुझे बेबा कहें? मालूम है ये सब तेरा बहाना है, तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गांव के आते जाते लोग मुझे ताना मारे और मुझे तेरे रखील बोले। उठ उठ और दफा हो जा यहां से, चल भेजा सूख गया तेरी बातें सुनते सुनते, हद होते किसी चीज की, कोई बात है? बक 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 बक, खाना खाने को नहीं मिलता, हर वक्त कहती रहती है। चल अब निकल जा, बाहर जाके मर, अब तुझे कोई रखेल नहीं बोलेगा मेरी। चल चल माँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। चल चल। ए, ए जॉनी, तू कहाँ जा रहा है? माँ के साथ। तू मेरे को छोड़ के जा रहा है? हाँ, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, तुम रह सकते हो क्या? रोज रात माँ की कब्र पे जाके सो जाते हो, मुझे ही उठा कर लाना पड़ता है। जॉनी जॉनी, मैं तेरा क्या लगता हूँ, बोल बाबा। लेकिन ये तेरी कौन लगती है,
पता है? नहीं पता ना? चलो अंदर, चलो चुपचाप बैठ जाओ और बैठ के खाना खाओ। पेट में कुछ जाएगा तो भेजा काम करेगा। ये रोज रोज का बंकस नहीं चाहिए। मैं तुम्हें रात भर का टाइम देता हूँ, रात भर सोचो और सुबह मुझे बताओ कि ये तुम्हारी कौन लगती है। मैं बोट में सोने जा रहा हूँ। फादर को तो टाल दिया, अब इसको क्या जवाब दोगे? पहले खाना खा लो, बाद में सोचेंगे। बोलो। मेरी माँ चली गई, हमारा मुन्ना भी चला गया, अब बड़ी मुश्किल से घर बसा है। तो तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं।